फिर से बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। 24 रुपए 30 पैसे का स्टॉक हो चुका है हमारे सामने, 88 मिलियन शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, वॉल्यूम बहुत तगड़ा है आज इस स्टॉक में, और 20% की जो रैली आई है वो भी बहुत गजब की है। बात करेंगे इस वीडियो में क्या खरीदारी करना बनता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, क्या खरीदारी करना चाहिए आपको या नहीं, और जो लगातार प्राइवेटाइजेशन को लेकर खबरें आ रही थी क्या वो यहाँ पर कन्फर्म हुई है या नहीं, क्या यहाँ पर खरीदारी करते हैं तो कितना टारगेट लेकर के चले, और अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा और 20% का प्रॉफिट आपने एंजॉय किया है तो क्या यहाँ से स्टॉक आपको बेचना है या नहीं बेचना है। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तो आज का चार्ट रहा जो बहुत एक तरफा रहा है, मॉर्निंग से ही न्यूट्रलिटी बरकरार थी, बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वॉल्यूम बहुत तगड़ा वॉल्यूम यहाँ पर आता है और स्टॉक को ऊपर लेकर के जाता है, तो 20% की जो ग्रोथ आई है ना वो बहुत एक स्पेसिफिक रही है, बहुत ज्यादा किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर हाथ डाला है और वो खरीदारी यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर या तो शुरुआत में खरीदारी करता है या फिर एंड ऑफ द डे खरीदारी करता है, और बीच में वो लोग खरीदारी करते हैं जिनको पता है कि स्टॉक को कहाँ पर लेकर के जाना है, और इतना भारी वॉल्यूम आया है आज स्टॉक में कि यहाँ पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट तो श्योरली देखने को मिली ही है। 20% की ग्रोथ है स्टॉक में लगातार, चार्ट पैटर्न में कोई बहुत बड़ा यहाँ पर ओवरबॉट जोन में नहीं था कि यहाँ से तेजी आने की उम्मीद बन रही थी। स्टॉक हालांकि अच्छे फॉर्म में जरूर है, खबरें अच्छी हैं स्टॉक में, और खबरों की बदौलत रूमर की बदौलत यहाँ पर स्टॉक आपको 20% भागा है। रूमर क्या था हमारे सामने फ्राइडे को या सैटरडे को, आरबीआई को लेकर एक बड़ा रूमर आया, आरसेल में उन्होंने 20% के आसपास की अपनी खरीदारी को बेचने का शुरुआत की, 19.38% के आसपास ये उनकी हिस्सेदारी थी आरसेल में, और उसको बेचने के लिए उन्होंने बिडिंग पर डाला। रीजन क्या था, रीजन यही था कि आईडीबीआई को लगता है कि यार क्योंकि वो पूरा अगर सब्सिडियरी के साथ बेचा जाएगा उसे तो उतना पैसा नहीं मिल पाएगा जितना कि अलग अलग करके अगर बेचा जाएगा तो मिल सकता है। और वही एक चीज सीबीआई में भी हुई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जब ये क्योंकि 3-4 बैंक है हमारे सामने जिनको प्राइवेटाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिलेक्ट किया हुआ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया और आईडीबीआई बैंक हो गया। आईडीबीआई बैंक ऑलरेडी फाइनल हो चुका है कि इसको करना है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को और यूको बैंक को या इंडियन ओवरसीज बैंक अभी भी आरबीआई की पीछे लिस्ट में है, तो इनको वहां से निकालना पड़ेगा, पहले इनकी बैलेंस शीट को दुरुस्त करना पड़ेगा पहले, उसके बाद इनको सेलिंग के लिए डाला जाएगा, उसके बाद इनके लिए बायर्स ढूंढा जाएगा। और वही कारण रहा कि जब भी रूमर्स आते हैं इस तरह के तो स्टॉक आपका इस तरह की रैली करता है। बात करें आज की रैली की तो देखो रैली बहुत जबरदस्त हुई थी, एक रेजिस्टेंस था हमारा ये वाला जो ब्रेक हो चुका है, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर था ये भी ब्रेक हो चुका है 21.85 का, तीसरे रेजिस्टेंस की बात करें थर्ड रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर है जो स्टॉक फेस करेगा समवेयर अराउंड दिस पॉइंट, 25.50 रुपए का हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस फेस करने के लिए स्टॉक आपका रेडी हो चुका है। अभी भी आप देखिए तो ये रेजिस्टेंस है हमारे सामने, एक सपोर्ट आ गया है 21.80 रुपए 21.85 रुपए का, इस आज की 20% की रैली के बावजूद भी स्टॉक जो है हमारे स्लाइटली ओवरबॉट जोन में है, यानी कि आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक आपका तेजी दिखा सकता है, 1-2 दिन अभी भी तेजी में रहेगा स्टॉक आपका, उसके बाद यहाँ पर गिरावट हो सकती है, बट दैट डजंट मीन कि यू स्टार्ट ऑफलोडिंग द स्टॉक और स्टॉप बाइंग द स्टॉक। ठीक है, खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, बेचना है या नहीं बेचना है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आपको जो चार्ट पैटर्न कह रहा है मैं वो बताना चाहता हूँ कि मैकडी हमारा स्ट्रॉन्गली बुल रन में आ चुका है अभी, और हिस्टोग्राम में हमारे अपर साइड है, तो खरीदारी का ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, बट क्योंकि आप चार्ट पैटर्न देख करके खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, कितना करना है बता सकते हो, बट आप ये नहीं बता सकते कि सेंटिमेंट क्या है बाजार के। सेंटिमेंट अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में कम है, रीजन बीइंग क्या, रूमर आता है तो स्टॉक आपका भागता है, रूमर नहीं होता है तो स्टॉक आपका गिरावट में आ जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक आपका दोबारा से लोअर एंड की ओर फिसलना शुरू हो गया था, तो क्या रीजन था कि यहाँ पर गिरावट हुई थी, स्टॉक न्यूट्रलिटी में भी रह सकता था बट नहीं, यहाँ पर गिरावट हुई। थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बाय करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आज आपने 20% एंजॉय किया है तो बेच दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी दूसरी चीज अगर हम बात करें, दूसरी चीज हमारे सामने ये है कि खरीदारी करते हो तो कब तक रुकना पड़ेगा। देखो लंबे समय का लंबा रेस का घोड़ा है एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जैसा मैंने बोला प्राइवेटाइजेशन के बाद ही आप एक बेहतरीन रैली देख सकते हो, जब प्राइवेटाइज हो जाएगा यहाँ पर जो भी अक्वायर करेगा उस बैंक को ट्रांसफॉर्म करेगा और उसके बाद इस बैंक में बहुत बेहतरीन रैली आपको देखने को मिलेगी, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों करना पड़ेगा, पहले पीसीएल से बाहर आएगा, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें कोई ऑडिटर लगाएगी बैलेंस शीट बैलेंस आउट करने के लिए, उसके बाद जो सब्सिडियरी वगैरह उसको बेचा जाएगा, उसके बाद इसके लिए बायर ढूंढा जाएगा, और एक ऐसा बैंक जो ऑलरेडी पीसीएल लिस्ट में है बिकॉज ऑफ हाई एनपीए उसके लिए बायर ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार, और यही प्रॉब्लम आरडीबीआई में भी हो रही थी, इसलिए वो लोग अपना जो
एनपीए वगैरह था वो खुद सेटल आउट कर रहे हैं। वन टाइम सेटलमेंट के थ्रू उन्होंने एसर का जो लोन वगैरह था उसको वन टाइम सेटलमेंट के थ्रू माफ कर दिया, मतलब थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो गया और एसर का लोन खत्म हो गया। तो वही एक चीज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी करना पड़ेगा। तो यू हैव टू इट विल टेक टाइम, ठीक है, इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। तो थोड़ा सा आपको वेट करने की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अगर आप उसमें पार्क करना चाहते हो अपना पैसा। तो हालांकि पैसा लगाया जा सकता है, 5% के आसपास पैसा लगा करके आप स्टॉक को छोड़ सकते हो। इस समय खरीदारी मत करना, 1 से 2 दिन अभी रैली आएगी, उसके बाद दोबारा से स्टॉक में गिरावट आ सकती है और उस समय पर आपको खरीदारी करने का एक अच्छा मौका मिलेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पर कुछ एक पैटर्न की, कुछ एक चीजों की, जो देखो Q4 के जो नंबर आए थे वो बहुत ही ज्यादा खराब थे और यही एक बड़ा कारण था कि Q4 के नंबर्स को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा कि CBI को सबसे बाद में प्राइवेटाइज किया जाएगा। 1440 करोड़ का लॉस यहां पर आया। जब प्रॉफिट करती है कंपनी तो कितना करती है, 100 करोड़ 150 करोड़ का प्रॉफिट करती है। जब लॉस करती है तो कितना करती है, 1400 करोड़ 1680 करोड़ 2400 करोड़ 600 करोड़ 900 करोड़ का लॉस करती है कंपनी। तो ऐसी कंपनी को बेचने के लिए बायर ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और यही एक बड़ा कारण है कि देखो यार अगर आप बचे रहो इस स्टॉक से ज्यादा बेहतर है। पैसा लगा दिया है आपने तो आपको निकलने का अच्छा मौका मिलेगा आने वाले दिनों में, निकल जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात खरीदारी की करें तो 14 जून को 49% थी और उसके बाद 37% सेम आप देख सकते हो डिलीवरी परसेंटेज में गिरावट हुई थी और यही एक कारण था कि स्टॉक हमारा फिसलता हुआ दिखाई दिया था। अब एक अच्छी रैली आई है, आज खरीदारी अच्छी हुई है और श्योरली आप देख सकते हैं कि जब मिडवे में हमारी मिडडे में आई है और खरीदारी तो खरीदारी डिलीवरी परसेंटेज काफी हाई गया होगा आज का हमारा। तो बाय करने की सलाह मेरी आपको यहाँ पर नहीं रहेगी, बिकवाली करना हो तो करना, आप बेच सकते हो स्टॉक को, बेचने में कोई दो राय नहीं है। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट आ गया है तो बेच दो स्टॉक को, निकल जाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। होल्ड करें वो लोग 5% लगा करके जिन लोगों को लगता है कि प्राइवेटाइजेशन में टाइम है मेरे पास बहुत ज्यादा, मैं 5% लगा के बैठ सकता हूँ क्योंकि उसके बाद आपका पैसा काफी गुना बढ़ सकता है, ठीक है। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है, बात बाजार की भी कर लेते हैं साथ में। बाजार में अच्छी रिकवरी आई है आज के दिन में और इस रिकवरी की हमें उम्मीद भी थी, जैसा मैंने सैटरडे और संडे को भी आपको बताया था कि बाजार अब रिकवर कर सकता है, रिकवरी आई है, रैली नहीं आई है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आप देखेंगे 15550 15850 900 के बीच में ही स्टॉक मार्केट हमारा रहने वाला है। बहुत सारे रीजन है, न्यूट्रलिटी बरकरार रहेगी, मार्केट को कूलिंग ऑफ पीरियड में डाला जाएगा ताकि जो स्टॉक मार्केट बबल की बात की जा रही थी वो थोड़ा सा आउट ऑफ मार्केट आउट ऑफ सेंटिमेंट हो सके। तो बाजार का नियम अच्छा, बाजार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट साइकिल आपका काम करेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे बने रही है बाजार में, FII DII खरीदारी कर रहे हैं और साफ तौर पर बढ़िया बाजार रिकवर हुआ है तो श्योरली खरीदारी हुई है और आज का डेटा आने में समय लगेगा, ये फ्राइडे का है ओवरऑल, बट स्टिल खरीदारी यहाँ पर श्योरली हुई है। होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी फोटोज, जो लोग लंबा रुक सकते हैं निकाल दो, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं खरीदारी मत करो, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस चलते वीडियो खत्म करते हैं, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रेटजी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर, प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट, पूछना हो तो